एनपीओ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है कि, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के के कंज्यूम्ड पार्ट को निकालने लिए लिए तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स की की वैल्यू वैल्यू में ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं डिडक्ट करते हैं क्लोजिंग एडवांस की वैल्यू को और ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू को तो इतने पोर्शन तक के आंसर को हम कह सकते हैं ये हमारी क्रेडिट परचेज है जो आप अपने ब्लैक रंग की इंक से देख रहे हो फिर इस क्रेडिट परचेज के आगे ही अगर हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऐड करते हैं और कैश परचेस की वैल्यू को ऐड करके दो चीजें डिडक्ट करते हैं क्या क्या एक तो सेल ऑफ स्टॉक जो कि बुक वैल्यू पर हमको लेना है और क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कि हमने कितना कंज्यूम्ड करा है अपने स्टॉक को ये कंज्यूम्ड पार्ट किसी भी चीज का हो सकता है हो सकता है मेडिसिन का हो हो सकता है स्टेशनरी का हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पर ये फॉर्मूले से आप किसी भी चीज के कंज्यूम्ड पार्ट को सही निकाल सकते हो